अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीए। आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। पुडिंग बनाने के लिए ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप 4 चम्मच मैदा यूज़ करें। ये मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर ले लिया है, 1 प्याली ये चीनी है और एक प्याली मैंने मलाई ली है। वनीला एसेंस डालना आपके ऊपर, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं। पुडिंग बनाने के लिए इधर गैस पे मैंने 1 किलो दूध उबलने के लिए रख दिया है। अब दूध उबल जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। जब तक दूध उबल रहा है हम इसमें ये कोको पाउडर ऐड कर देंगे। ये हमने 1 प्याली में दूध ले लिया, उसमें हम ये कोको पाउडर डाल देंगे। ये अलग घोल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि दूध में लम्स नहीं रहे कोई भी। अगर हम डायरेक्ट ऐसी सारी चीज़ें उबलते हुए दूध में डाल देंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने घोल बना के तैयार कर लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। आप भी ऐसे लम्स फ्री ही घोल बनाएं। इधर दूध भी उबल चुका है, अब हम इसमें ये 1 प्याली चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से रख लें, जैसा आपको पसंद हो। और इसमें एक उबाल आ जाने देंगे, उसके बाद हम अपना घोल इसमें ऐड कर देंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब जब आप ये मिक्सर इसमें डालें तो मिक्सर को आप एक बार चला लें, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। हम ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े, और इसे पका लेंगे। आप इसको लो फ्लेम पे ही पकाएं, बीच बीच में इसको चलाते रहें जिससे ये तली पे जले नहीं। पुडिंग को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये पक के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये थिक भी हो गई है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली है, ये डेयरी मिल्क है, आपके पास जो सी हो आप इसमें डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। हम मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद हम पुडिंग में इसको ऐड कर देंगे। हमने मलाई को फेंट लिया, अब हम पुडिंग में डाल देंगे। मलाई से एकदम क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत यम्मी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद हम इसको सेट करेंगे, जब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पुडिंग हमारी हल्की ठंडी हो गई है, अब हम इसको प्याली में निकाल लेंगे, उसके बाद इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको प्याली में निकाल लेंगे। पुडिंग को प्याली में कर लिया। इधर मैंने कुछ बादाम और थोड़े से ये काजू काट के रख लिए इसको गार्निश करने के लिए, ये हम डाल देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। माय पुडिंग बनके तैयार है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये ठंडी होने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप जब भी पुडिंग बनाएं आप उसको ठंडा ही करके खाएं। ये 2 घंटे बाद माय पुडिंग रेडी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।